भारत में एक ऐसे हवाला कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है जो चीनी नागरिक चला रहे थे। ये हवाला कारोबार 1000 करोड़ से भी ज्यादा का था, लेकिन जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात सामने आई वो है पकड़े गए चीनी नागरिक के पास से बरामद भारतीय पासपोर्ट। ये पासपोर्ट मणिपुर के पते पर बनाया गया था। वहीं अब इस हवाला कारोबार के तार अलीगढ़ से भी जुड़ रहे हैं। जांच सामने आया कि अलीगढ़ का युवक राहुल चीन के 2 कंपनियों का डायरेक्टर और 2 कंपनियों में शेयर होल्डर है। दरअसल दिल्ली में फर्जी पासपोर्ट से पकड़े गए चीनी नागरिक की जांच के बाद राहुल का नाम सामने आने के बाद एजेंसियां हरकत में आ गई। आनन फानन में जांच टीम राहुल के गांव खैर थाना क्षेत्र के पीपल पहुंची और राहुल के बारे में जानकारी एकजुट की। राहुल के परिजनों ने बताया कि वो NCR में एक चीन की कंपनी में नौकरी कर रहा है, लेकिन उन्हें इस हवाले के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो बताता था कि किसी कंपनी में मैं हेड ऑफ सम रहता हूँ। चाइनीज कंपनी बताई थी कौन सी? हाँ, चाइनीज कंपनी। कब आया था लास्ट टाइम घर पर? तो उसको हो गए 2-2.5 महीने। अच्छा, कभी उसने ये बताया नहीं किस तरीके से? ना ऐसे। पढ़ाई कहाँ से करी है उसने? उसने यहाँ से अराना कांटा से की। ये कहाँ पर है घर आपका अभी फिलहाल? पीपल का गाँव में। कौन सा थाना क्षेत्र पड़ता है? ये थाना क्षेत्र खैर पड़ता है सर। कहीं फ़ोन से या कभी वैसी बात हुई काम धंधे को लेकर, कभी आपने पूछा हो? हाँ, पहले गुड़गांव उसमें नोएडा में मैंने उसको अप्रेंटिस कराई, इंटर कराई, अप्रेंटिस कराई और फिर उसमें नोएडा में उसको नौकरी। नोएडा बताया नहीं उसने क्या करता है? नोएडा में बताता है कि मैं नौकरी करता हूँ। ये नहीं बताया क्या काम करता है, किस कंपनी में? ऐसा मुझे नहीं बताया। नहीं, वैसे ही बता चाइनीज कंपनी। ये बाद में आके अब तो नोएडा क्या करता है हमने पूछे, भाई नोएडा में क्या पैसा मिलता है, सब पूछते हैं कि मिलते 15-16 हज़ार 14 हज़ार। इतना बड़ा धोखा या कहें कि देश के साथ पैसे की चोरी कर चोरी हुई है, क्या कहते हैं, सोच किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को? ये तो साहब देश के साथ देशद्रोह मनाता है। जिस तरीके से चाइनीज मालिक जो है उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई है, उसने बच्चे को बहका लिया होगा पैसे भी कहीं से। राहुल का परिवार या उसके गांव के लोग बेशक अनजान हो, मगर इन दिनों इस राहुल ने देश में भूचाल ला दिया। उसका नाम 1000 करोड़ से अधिक के हवाला कारोबार से जुड़े रैकेट में आ रहा है। फिलहाल जाँच एजेंसियाँ मामले की जाँच में जुटी हुई है। अब ये तो जाँच के बाद ही पता चलेगा कि राहुल इस रैकेट में शामिल है या फिर उसके साथ भी कोई साजिश हुई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अलीगढ़ से अर्जुन देव की रिपोर्ट।